संजू बाबा। ये नाम सुनते ही हर किसी के जहन में सबसे पहले बॉलीवुड के सुपरस्टार का नाम आता है। वो ऊंचा लंबा कद, वो धांसू बॉडी और सालों से वो दिलेर एक्टिंग, इसलिए मेरे भी वन ऑफ द फेवरेट हैं संजू बाबा यानी संजय दत्त। वैसे रियल लाइफ की तरह रियल लाइफ में भी एक संजू बाबा हैं जो साउथ के सुपरस्टार हैं। उनकी भी ऊंची लंबी कदकाठी है, सॉलिड फिट बॉडी है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये स्टार दिलेर एक्टिंग नहीं करते लेकिन दिलेर बैटिंग करते हैं। हालांकि इनके क्रिकेट का सफर बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा। सिक्सर किंग से करियर का आगाज हुआ और आज वो राजस्थान रॉयल्स के सरकार हैं। इस संजू बाबा को दुनिया संजू सैमसन के नाम से जानती है। डोमेस्टिक क्रिकेट में जब विकेट कीपर बल्लेबाज संजू ने डेब्यू किया, उसी साल महेंद्र सिंह धोनी की लीडरशिप में हिंदुस्तान की टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी। इसके बाद धोनी एक के बाद एक कीर्तिमान बनाते गए और सिर्फ संजू ही नहीं, धोनी के रहते अगले कई साल तक कोई दूसरा विकेट कीपर बल्लेबाज टीम इंडिया में परमानेंट हो ही नहीं पाया। पर घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में खेलकर भी कोई कैसे सुपरस्टार बन सकता है, ये संजू सैमसन ने साबित कर दिया। और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है उनके पिता सैमसन विश्वनाथ को। सैमसन विश्वनाथ ने बेटे को क्रिकेट खिलाने के लिए अपनी नौकरी की परवाह भी नहीं की। दरअसल संजू का दिल्ली के अंडर 13 में चयन नहीं हुआ था, ऐसे में पिता ने बेटे के लिए बलिदान दे दिया। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी से उन्होंने वीआरएस ली और दिल्ली को छोड़कर अपने होम टाउन केरल लौट गए। संजू के पिता को स्पोर्ट्स बहुत पसंद था, वो खुद फुटबॉल के खिलाड़ी थे। संजू की कहानी को आगे लेकर चलूं, इससे पहले उनके पिता के लिए दो लाइन्स तो बनती हैं। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। पिता ने ठाना था कि बेटे को क्रिकेटर बनाना है तो बनाना है। पिता के बलिदान का संजू ने भी मान रखा और आने वाले सालों में पिता के फैसले को सही साबित करके भी दिखाया। संजू के पिता बताते हैं कि उसने बहुत मेहनत की और आज भी मेहनत में संजू कोई कमी नहीं छोड़ता। कोविड के दौरान जब सब बंद था तब संजू ने घर की छत पर ही नेट्स लगा लिए थे, जिससे प्रैक्टिस से एक दिन भी नाता टूटे ना, कोई कमी छूटे ना। करियर के शुरू में भी संजू ऐसे ही थे, घंटों नेट्स में पसीने बहाने का फल ये मिला कि वो 15 साल की उम्र में ही रणजी ट्रॉफी में डेब्यू भी कर गए। 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स से बहुत बड़ी गलती हो गई थी जब उन्होंने संजू को टीम में पिक तो कर लिया लेकिन पूरे सीजन बेंच पर बिठा कर रखा। गलती इसलिए क्योंकि अगले साल संजू जैसे नायाब हीरा राजस्थान की शान बन गया। 2013 में संजू ने न सिर्फ रणजी ट्रॉफी में दोहरा शतक जड़ा बल्कि अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी भी मारी और यहीं से बदल गई संजू बाबा की कहानी। राजस्थान रॉयल्स ने संजू को अपने खेमे में शामिल किया। आईपीएल में अपने दूसरे ही मैच में संजू सैमसन ने अर्धशतक भी लगा दिया। 3 साल तक वो राजस्थान की टीम में रहे। इस दौरान 2015 में एक T20 इंटरनेशनल के लिए उन्हें टीम इंडिया की कैप भी मिल गई। लेकिन यह तय नहीं था कि अगला मौका कब आएगा और मिलेगा भी या नहीं। मत हार हिम्मत, होगी कल मंजिल से मुलाकात। जब हिम्मत टूटने लगे तो समझना अभी तो है शुरुआत। ये लाइन मैंने अपनी कहानी में इसलिए शामिल की क्योंकि संजू बाबा के स्टार बनने के सफर में हिंदुस्तान के लेजेंड क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का भी बहुत बड़ा रोल रहा, जिन्होंने संजू को हमेशा हिम्मत रखने की सलाह दी। 2016 और 2017 में जब राजस्थान की टीम पर बैन लगा तब संजू सैमसन के साथ मेंटोर राहुल द्रविड़ दिल्ली टीम का हिस्सा बन गए। राहुल द्रविड़ से संजू को धैर्य, दृढ़ संकल्प और खुद पर भरोसा रखने की सीख मिली। संजू बताते हैं कि राहुल द्रविड़ से सीखी हर चीज उन्होंने एक नोटबुक में नोट कर रखी है और आज भी जरूरत पड़ने पे वो उसका इस्तेमाल करते हैं। 2018 में संजू सैमसन फिर से राजस्थान की टीम में लौटे, लेकिन अब तक टीम इंडिया के लिए लगातार खेलने वाला सपना अधूरा ही था। वो कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। 2020 में संजू 5 साल के बाद फिर से इंडिया की T20 टीम में आए और 2021 में वनडे में उनका डेब्यू हो गया। ये साल उनके लिए काफी लकी था। राजस्थान रॉयल्स के संजू बाबा को अपनी टीम का सुल्तान बना दिया गया और क्या गजब की कप्तानी की उन्होंने। 2022 में राजस्थान की टीम संजू की कप्तानी में रनर्स अप रही, पर टीम इंडिया से अंदर बाहर होने का सिलसिला चलता रहा क्योंकि केएल राहुल जैसे सीनियर और ऋषभ पंत जैसे युवा विकेटकीपर बल्लेबाज टीम मैनेजमेंट की पसंद बने रहे। संजू को भले ही मौके कम मिले लेकिन जितने भी मिले उन्होंने साबित कर दिया कि वो बड़े बल्लेबाज हैं। 16 वनडे मुकाबलों में संजू का औसत 57 का है जो शानदार है और घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में तो क्या ही कहने। संजू बाबा का नाम सिर्फ चलता नहीं, बोलता है।